दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंटीवायरस की। आज के संदर्भ में जो कि इतना हाईटेक हो गया है, हमारा सिस्टम भी, हमारे आईओएस भी, हमारे प्रोसेसर से लेकर रैम तक सब कुछ हाईटेक हो गया है। इस आज के डेट में हमें अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस खरीदना चाहिए, रखना चाहिए या फ्री यूज करना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपके मैक के लिए, आपके मैक मिनी के लिए कौन सा बेस्ट एंटीवायरस है और मैं कौन सा यूज करता हूं या नहीं करता हूं, इन सब मुद्दों पर आज वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देखें क्योंकि आज मैं बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं और ये बहुत जानना जरूरी है कि आज के इस तारीख में जो हैकर्स हैं वो भी बहुत ज्ञानी हो गए हैं, सारे प्रोटेक्शन को तोड़ने में माहिर हो गए हैं। ये जो एंटीवायरस है उसको अपने सिस्टम के लिए इतना है, फ्री यूज करना है, इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। दोस्तों बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नो इच्छुआको चैनल। अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऑलराउंडर बनना चाहते हैं तो ये चैनल खास करके आप ही के लिए है। दोस्तों ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये मेरे पास मैक मिनी है, एप्पल का सिस्टम है। क्योंकि आप जानते हैं कि एप्पल जो है कितना सिक्योर रहता है, अपना सिक्योरिटी के लिए ही ये जाना जाता है, बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एप्पल के सिस्टम में मैं एंटीवायरस इस्तेमाल करूं या विंडोज में यूज कर रहा हूं आज के डेट में इस्तेमाल करूं, क्योंकि एप्पल भी और विंडोज भी उसका एक इंटरनल एंटीवायरस सिस्टम में इंस्टॉल करके ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, तो क्या उससे काम चल पाएगा या मुझे कुछ दूसरा लेना है। तो दोस्तों मैंने इसको लगभग 2 महीना यूज किया बिना एंटीवायरस का, इसके अंदर के जो भी एंटीवायरस है उसको सारे सक्रिय किया। दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा कि इसके अंदर क्या था और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत रिसर्च किया और बहुत सारे वीडियोस भी देखा यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि कौन क्या यूज कर रहा है, तो कंक्लूजन के तौर पर यही सामने आया कि हमें एंटीवायरस किस स्थिति में यूज करना है। दो तरह के लोग हैं। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो खुद का अपना एक इकोसिस्टम है, आप बाहरी कुछ लेन देन से आपको कोई मतलब नहीं है, आप दूसरे का पेन ड्राइव नहीं यूज करते हैं, बाहर का कोई भी हार्ड ड्राइव SSD वगैरह नहीं यूज करते हैं, या आप वैसे साइट पर जाते हैं जो बिल्कुल सेफ है, आप अपने ऑफिशियल वर्क करते हैं, बस इतना ही आप काम करते हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं या घर के ही काम में आप लिप्त हैं, आप कहीं शेयरिंग नहीं कुछ करते हैं, तो बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं है एंटीवायरस लेने का। आपको इतना सिक्योरिटी एप्पल खुद प्रदान करके देता है, या विंडोज कोई भी सिस्टम आप देख रहे हैं आपके पास जो भी अवेलेबल है वो इतना खुद करके देगा। लेकिन दूसरे टाइप के लोग जो ऐसे हैं वो दूसरे SSD यूज करते हैं, एक्सटर्नल SSD यूज करते हैं, अलग अलग पेन ड्राइव यूज करते हैं, किसी दूसरे का डेटा अपने अंदर लेते हैं, या कोई भी साइट्स विजिट करते हैं बिंदास, सेफ और अनसेफ साइट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं और बहुत आदान प्रदान डेटा इधर उधर करते हैं, ऑफिस ले जाते हैं, घर पर भी यूज करते हैं, दोस्तों को भी शेयर करते हैं, तो इस स्थिति में दोस्तों आपको एक एंटीवायरस लेना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अब एंटीवायरस लेना है तो वो कौन सा एंटीवायरस है जो मेरे मैक में, मैक मिनी में, विंडोज में सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों पिछले 3 सालों से मैं विंडोज यूज कर रहा था, उसमें मैं एक एंटीवायरस यूज कर रहा था, बिट डिफेंडर। मैं गूगल पर सर्च किया तो टॉप 5 में बिट डिफेंडर का नाम आता है और 3 सालों में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया बिट डिफेंडर। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं खुद का आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो ये जो बिट डिफेंडर एंटीवायरस है हर मामले में मुझे बिल्कुल बेस्ट लगा। तो मैंने रिसर्च किया कि क्या ये मेरे मैक मिनी के लिए, एप्पल्स के लिए भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल ये मुझे मिल गया। अमेज़न से मैं इसको परचेज किया हूं और इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, कितना देर में अगर हम ऑर्डर करते हैं तो मेरा ये एंटीवायरस है जो मुझे अपने सिस्टम में मिल जाएगा देखने को। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं बिना समय गवाए हुए और सारे प्रोसेस को जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अमेज़न खोल लेंगे और बिट डिफेंडर को सर्च कर लेंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि 599 रुपये में 3 साल का मुझे देखने को मिल रहा है, यानी कि एक डिवाइस पर आप 3 साल के लिए इसको इस्तेमाल कर पाएंगे फुल प्रोटेक्शन में। तो ये आपको 2 घंटे के अंदर आपको ईमेल पर इसका एक्टिवेशन कोड दे देंगे, तो इस तरह का यहाँ से मेंशन है। तो चलिए इसको परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद दोस्तों आप अपना एड्रेस वगैरह सब फिल कर लीजिए, जो पेमेंट है वो पहले ऑनलाइन पेमेंट ही ले लेगा, उसके बाद आपको यहाँ से ऑर्डर देखिए कम्प्लीट हो गया। 2 घंटे के बाद मेरे ईमेल पर एक्टिवेशन कोड आ गया, अब मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसका जो वेबसाइट है उस पर मैसेज किया हुआ रहता है कि इस वेबसाइट पर आप जाइए, और यहां से इंटर करने के बाद आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड हो गया है। अब इस डिवाइस पर इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो मेरे मैक मिनी है इस पर इंस्टॉल करने वाले हैं। एक्टिवेशन कोड डालने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको नेक्स्ट बढ़ते जाना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर करना है। यहां से आप देख रहे हैं कि एक वेबसाइट खुलेगा और वहां पर डाउनलोडेड शुरू हो जाएगा, और उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद आप अपने सिस्टम के डाउनलोड फोल्डर में जाइएगा और वहां से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह का आपको इंटरफेस देखने
देखने को मिल जाएगा और यहाँ से कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको लैंग्वेज वगैरह पूछेगा, फिर कंटिन्यू कर देना है, उसके बाद यहाँ से ये पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप टर्म एंड कंडीशन लाइसेंस एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपको दोस्तों ये बता रहा है कि 26.3 MB का आपको स्पेस लेगा ये कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के बाद, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर का पासवर्ड है उसको डालने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये प्रोसेस शुरू कर देगा और बहुत फास्ट तरीके से ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपका ये जो एंटीवायरस है बिट डिफेंडर का, ये एप्लीकेशन के तहत आपका खुद इंस्टॉल हो जाएगा इस पर और ये आपको डॉक में दिखते रहेगा। तो ये इस तरह से इंटरफेस नेक्स्ट आपको बढ़ जाएगा और यहाँ आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त कर लेगा। दोस्तों अब इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको जाना है सेटिंग में। तो दोस्तों सेटिंग में यहाँ से चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से एक्सेस कर देना है, फुल डिस्क एक्सेस पूछेगा, यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। इसके लिए आपको पासवर्ड कंप्यूटर का डालना है। उसके बाद इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और ये सारे जो प्रोसेस है ये आपको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों फाइनली आपको ये जो एंटीवायरस है यू आर सेफ दिखाएगा और यहाँ से कुछ रिकमेंडेशन आपको दिखाएगा कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें जो सेटिंग है जो प्रोटेक्शन का वो कर सकते हैं यहाँ से इनेबल और डिसेबल। तो आपको जो इच्छा होगा आप इसको इनेबल और डिसेबल कर लीजिएगा। और दोस्तों अब बारी आती है कि इसको स्कैन करके देखें कि ये कितना समय लेता है। तो मैं आपको पहले भी बताया कि ये बहुत फास्ट तरीके से स्कैन करता है और अगर आपके सिस्टम का प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो और भी अच्छे तरीके से ये वर्क करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फुल स्कैन पर मैं इसको क्लिक कर दिया हूँ, फुल सिस्टम स्कैनिंग हो रहा है और बहुत तेज गति से आपके सिस्टम को स्कैन कर देगा और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर देगा। ये था आज का वीडियो, इसमें मैंने बताया आपको कि एक एंटीवायरस क्यों जरूरी है और कौन सा जरूरी है। तो मैंने जो एंटीवायरस बिट डिफेंडर आपको सजेस्ट किया है बिल्कुल अच्छा है, बिंदास इसको इस्तेमाल कीजिए। और कंक्लूजन के तौर पर यही कहूंगा, दूसरों से लेन देन करने में बिलीव करते हैं तो आपके लिए एंटीवायरस बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो हैकर्स हैं और बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो आपके सिस्टम में आ जाएंगे। तो आज के संदर्भ में दो कैटेगरी के लोगों के बारे में मैं बात किया, उन दोनों में से जो दूसरे नंबर पर लोग हैं अगर वैसे आप हैं तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप कौन सा एंटीवायरस यूज करते हैं अपने सिस्टम में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।